3 जनवरी 2023 को हाइनान एयरलाइंस फ्लाइट HU7603 बीजिंग से उड़ के जा रही थी होंगचाइड। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने स्टार्ट करने वाला था, इतने में एक पैसेंजर अचानक से उठ गया और जोर जोर चिल्लाने लग गया, पैनिक होके डर गया, बहुत सबको स्ट्रेस में डाल दिया बेसिकली। एयरलाइन के द्वारा जो स्टेटमेंट रिलीज हुई उसके बाद में, और जो इकोनॉमी क्लास में पैसेंजर बैठे हुए थे उनके द्वारा जो बताया गया, इतना जोर से चिल्ला रहा था जैसे ये फ्लाइट पे ही उसका पूरा जीवन डिपेंड कर रहा था। और रोते रोते वो बंदा ये बोल रहा था कि वो एक टाइम लूप में फंस चुका है जिसमें बार बार ये फ्लाइट उड़ रही है, वो जा रहा है और ये फ्लाइट एंड में क्रैश हो जाता है, वापस रोता है, वापस उड़ते हैं, वापस क्रैश होता है, ये टाइम लूप में फंस चुका है। ऐसा इसका कहना था कि ये छठी बार ये एक्सपीरियंस कर रहा है लगातार, प्लेन इसका जो है ये वाला क्रैश हो चुका है। और वो चिल्लाते चिल्लाते बोल रहा था कि किसी इंसान के बारे में जो कि इस अर्थ के सेंटर में है। और बाकी पैसेंजर्स भी काफी ज्यादा घबरा गए ये चीज सुनकर, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंगली बोल रहा था कि भाई मरने वाला है सब, कोई भी होगा यार ये बातें सुनकर एक बार तो जरा सोचे गए, रीथिंग तो करेंगे। फ्लाइट लिटरली रिडायरेक्ट कर दी गई टर्मिनल पे वापस से। क्या ये पॉसिबल है कि वो बंदा सच बोल रहा हो, पर उसने इतने लोगों की जान बचाई।